Good morning, everyone. Once again, I'm here with you, and today we will discuss about prime factorization. But before that, let us recapitulate about prime numbers. As we have discussed earlier, that prime numbers are those numbers which have only two factors. One is 1 and the another is the number itself. So the first four prime numbers are, I'm going to write them here, 2, 3, 5, 7. So these are the first four prime numbers. And we also know that 1 is neither prime nor composite. So let us take an example. Suppose I have a number 18. Now, we can write 18 as a product of, let us find out the options. 2 into 9, 18. Isn't it? 3 into 6, 18. And we can also write 3 into 2 into 3. 3 twos are 6, 3s are 18. Or 1 into 80. Now, there are so many options to write 18 as a product. Some of the options I have written here. Now, just look at them. If we look the first option, 2 is a prime number and 9 is a composite number. 3, a prime number, and 6, composite number. 3, a prime number, 2, prime number, once again 3, a prime number. Next, 1, neither prime nor composite, and 18, 18 is a composite number. So, if we look at all these options, in this option, the third option, 3 into 2 into 3, all the three numbers are prime. हमने नंबर को ऐसे पेयर्स में लिखा जिनका प्रोडक्ट 18 आए, ठीक है? फिर हमने उन सभी ऑप्शंस को प्राइम नंबर्स के साथ कंसीडर किया. कब यहाँ पे कॉम्बिनेशन प्राइम कॉम्पोजिट का है, यहाँ पे प्राइम कॉम्पोजिट है, यहाँ पे कॉम्पोजिट है, दूसरा नंबर ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट. इस केस में जो तीनों नंबर है वो प्राइम नंबर है. तो हमने क्या किया, 18 को ब्रेक कर दिया. बेसिकली हमने 18 को ब्रेक कर दिया. अगर हम 18 के फैक्टर्स फाइंड आउट करें तो उनमें 2 और 3 इसके फैक्टर्स भी होंगे होंगे. तो हमने क्या किया, 18 को फैक्टराइज कर दिया. मींस हमने 18 को ऐसे लिखा कि ऐसे ग्रुप में मल्टीप्लाई करके लिखा कि उसमें प्रेजेंट जितने भी नंबर्स हैं वो सभी नंबर क्या है, प्राइम नंबर है. तो जब भी हम किसी नंबर को ऐसे ग्रुप में ऐसे प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं कि जिसके सारे नंबर, सारे जो मेंबर्स होंगे वो प्राइम नंबर हो, तो हम उसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है. वंस अगेन लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. अगर हम 9 को लिख देते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, इसका मतलब है कि 9 जो ये दो नंबर है, ये दोनों नंबर क्या है, प्राइम नंबर है. तो हम कह सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई 3 इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9. वन मोर एग्जांपल, 24 है, इसको हम 4 मल्टीप्लाई 6 लिखते हैं. तो 4 भी एक कॉम्पोजिट नंबर है, 6 भी एक कॉम्पोजिट नंबर है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होंगे. या और हम 24 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 4, 4 3 आर 12, 12 2 आर 24. तो इन चार नंबर्स का प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है, 24. और ये चारों नंबर कैसे हैं, ये चारों नंबर हैं प्राइम नंबर. तो ऐसी फैक्टराइजेशन को हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन. मींस ऐसे प्रोडक्ट में किसी नंबर को लिखें कि उस प्रोडक्ट में जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो सभी क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए. सो दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन. नाउ लेट अस लर्न how we find prime factorization of a number. There are two methods to find prime factorization of a number.
and today we will discuss only one method, and that method is factor tree method. कौन सा method होगा? Factor tree method. So for this, let us take an example, and it is very easy method. Suppose I have a number 30. ठीक है, 30. अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, पर वो भी कैसी? प्राइम फैक्टराइजेशन. तो हम क्या करेंगे, 30 को ऐसे सर्कल करके लिख देंगे. लिख दिया. अब कुछ प्राइम नंबर्स मैंने कहा है आपको कि आप स्टार्टिंग के 5-6 प्राइम नंबर्स जो है वो लर्न कर लीजिए. इट विल बी हेल्पफुल फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, तो आई एम राइटिंग हियर 2, 3, 5 एंड 7, फर्स्ट फोर प्राइम नंबर्स. अब हमने देखना है कि जो 30 है वो कौन से प्राइम नंबर के टेबल में आता है. 2, 3, 5, 7. अब देखने से ही पता चल रहा है कि इवन नंबर है, ये 2 के टेबल में भी आता है, 33 के टेबल में भी आता है, 35 के टेबल में भी आता है. अब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो आप इन दो तीन में से किसी भी नंबर को ले सकते हैं एज अ प्रोडक्ट. मतलब 30 के नंबर्स, वो दो नंबर आपको यहाँ पे लिखने हैं. 30 के साथ दो लाइंस ज्वाइन करी हैं हमने, मतलब 30 को हम ब्रेक कर रहे हैं. इन दो सर्कल में वो दो नंबर आएंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 30 आता है, और एक कंडीशन कि उनमें से एक नंबर जो है वो प्राइम होना चाहिए. ठीक है, अब आपको पता, हमें पता है कि 30 जो है 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी, 5 के टेबल में भी. हो सकता है 2 कितने जा 30 आपके लिए डिफिकल्ट है, लेकिन आपको पता है कि 3 10 जा 30 होते हैं, तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया. आप यहाँ 2 भी लिख सकते हैं. तो क्या पता है हमें कि 3 कितने जा होते हैं 30, 3 10 जा 30. ठीक है, क्या किया हमने, 30 को दो फैक्टर्स में बांट दिया जिनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 30, लेकिन उनमें से कोई एक नंबर क्या होना चाहिए, प्राइम. और कोशिश करें कि आप प्राइम नंबर को लेफ्ट साइड में लिखें. ठीक है, अब ये दो नंबर हमारे पास आ गए, 3 और 10. अब इनमें से कौन है, ये तो हमने प्राइम नंबर है तो इसको छोड़ दो, क्योंकि हम प्राइम नंबर को आगे तोड़ेंगे नहीं. ठीक है, अब आई 10 क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर. तो हम इसकी फैक्टराइजेशन फिर से करेंगे, यानी अब ये भूल जाएंगे, और हम ये देखेंगे कि 10 किन दो नंबर्स के टेबल में आता है जिनमें से एक नंबर क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए. तो हमें पता है कि 10 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में. तो और 2 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है. अब 2 कितने जा 10, 2 5 जा 10. अब 5 को देखिए, 5 कौन सा नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है. यानी अब आपके पास कोई भी कॉम्पोजिट नंबर नहीं आया. क्या किया हमने, पहले 30 को ब्रेक किया, 3 10 जा 30, 3 एक प्राइम नंबर है उसको छोड़ दिया, फिर 10 एक कॉम्पोजिट नंबर है उसको फिर से ब्रेक कर दिया, और उसमें 2 5 जा 10, तो दोनों के आगे प्राइम. तो ऐसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं. अभी अभी हमारे पास आंसर नहीं आया, आंसर कैसे आएगा. अब हमने इसको सॉल्व करके कौन कौन से प्राइम नंबर्स का है, यानी जिन सर्कल्स को आगे हमने फर्दर डिवाइड नहीं किया है ना, जैसे इस सर्कल को हमने आगे नहीं बांटा है. ठीक है, ये यहीं खत्म हो गया, तो इस 3 को ले लेंगे. उसके बाद और जैसे इस 10 को आगे फर्दर डिवाइड किया है तो हम इसे भी नहीं लेंगे, इसको भी आगे डिवाइड किया इसको भी नहीं लेंगे. कौन रह गए, 2 जिसको आगे फर्दर ब्रेक नहीं किया है, 2, और तीसरा कौन हो गया, 5 जिसको आगे फर्दर ब्रेक नहीं किया है. सो वी कैन से दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 इज 3 × 2 × 5. अब यही क्वेश्चन जैसे हमने 3 से स्टार्ट किया, आप इसको 5 से भी स्टार्ट करते हैं. अगर आप इसको 5 से स्टार्ट करते हैं तब भी आपके पास यही 3 नंबर आने थे. ऑर्डर में भी डिफरेंट, ऑर्डर फिर अलग हो सकता है, लेकिन जो नंबर्स हैं उसमें जो प्राइम नंबर्स हैं वो सेम रहेंगे. जैसे कि देखिए 30, अगर किसी ने इसको कर दिया कि ये 2 के टेबल में आता है, तो 2 कितने जा 30, 2 15 जा 30. अब 15 को ब्रेक करेंगे, 15 किसके टेबल में आता है, किसी ने कहा 5 के टेबल में, और 5 कितने जा 15, 3 जा 15. तो नंबर कौन आए, 2 5 3, वही है 2 5 3. तो आप किसी भी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, आपका आंसर सेम ही आएगा. ठीक है, सो दिस मेथड इज नोन एज फैक्टर ट्री मेथड. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल.
The number is 42 and we want to find its prime factorization by factor tree method. So what we do? We'll divide or we'll factorize this number as a product of two number. और उन दो नंबर के प्रोडक्ट में कोई एक नंबर क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए. अब 42 एक इवन नंबर है तो वो किसके टेबल में आएगा? टू के टेबल में भी, थ्री के लिए भी आप चेक कर सकते हैं, फाइव के लिए भी चेक कर सकते हैं, सेवन के लिए भी, मतलब कोई एक प्राइम नंबर चाहिए. अब हमें पता है ये इवन नंबर है तो ये टू के टेबल में ही आएगा. अब कितने टूज आप 42? आपको पता है तो डायरेक्ट लिखिए, नहीं पता है तो आप रफ में 42 को 2 से डिवाइड कर दीजिए. टू टूज आ 4, ब्रिंग 2, ब्रिंग डाउन 2, 2 वन इज 2 एंड व्हाट इज आवर आंसर? 21. इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 21 इज इक्वल टू 42. अब ये नंबर हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर. तो इसको तो हम फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेंगे. अब कौन है? 21. अब 21 एक कॉम्पोजिट नंबर है. अब इसको भी हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिख सकते हैं जिनमें से कोई एक प्राइम नंबर हो. तो 21 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में. 3 सेवन्स आर 21. अब 3 तो प्राइम नंबर है. अब देखिए 7. अब 7 क्या है? 7 भी एक प्राइम नंबर है. इसका मतलब ये नंबर आगे फर्दर डिवाइड, फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं होंगे. तो हमारा क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया. अब बस हमें प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी है. तो हम क्या लिख सकते हैं? प्राइम, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें उसके नीचे आप कंप्लीट लाइन लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 42 इज इक्वल टू. अब आपको कौन से नंबर लिखने हैं? वो नंबर जिनको आगे फर्दर हमने पार्ट्स में नहीं डिवाइड किया है, जैसे कि 2, उसके बाद 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3, नेक्स्ट 7. और आपने ठीक क्वेश्चन किया है, ये आप चेक भी कर सकते हैं. कैसे चेक करेंगे? इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखिए. जब आप तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 42 ही आएगा. अगर नहीं आ रहा है इट मीन्स आपने कहीं पे गलत किया. देखिए 2 3 6, 6 7 42. सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 42 यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड. सो लेट अस रिकैपिटुलेट व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड टुडे. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्राइम फैक्टराइजेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन. दैट फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर इन सच अ वे दैट ऑल द नंबर्स आर प्राइम. All the factor of a number should be prime numbers. Then we have learned a method to find prime factorization, and that method is factor tree method. So with the help of this video you can solve any, you can find prime factorization of any number using factor tree method. And next time we will discuss another method to find prime factorization. Another method of prime factorization, that is division method. So thank you and have a nice day.